हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। माय नेम इज़ विपिन गुप्ता एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमा मिनिमा, उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस के लिए कर लिए हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे लेते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट कुछ नए लगेंगे, तो वो नए कॉन्सेप्ट बताने से अच्छा है मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊँ। न्यूमेरिकल में जब कॉन्सेप्ट आएगा उसी टाइम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, पिक लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं न्यूमेरिकल दे नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल रीड कर लेता हूँ। फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो मैं तीनों न्यूमेरिकल करूँगा, यहाँ पर तीन न्यूमेरिकल दिए। तो पहला न्यूमेरिकल बनेगा मेरे लिए f of x is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। ये इस टाइप का न्यूमेरिकल है। तो अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि अब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पहले मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको समझाता हूँ। वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, आपकी बुक में भी होगा, वहाँ से भी देखना। फिलहाल मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। कोई फंक्शन गिवन है तो फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूँ, नोट कर लो। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या करना होता है, पहले डेरिवेटिव करते हैं, पहला स्टेप हो गया ये। सेकेंड स्टेप में डेरिवेटिव को हम लोग जीरो के इक्वल लिखते हैं। यहाँ से मुझे टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, तीनों एक ही नाम है, वो पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो x के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे आपके पास, x के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल रहे हैं, तो यहीं से आप लोग सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव में ये जो पॉइंट्स आपने निकाले थे, सपोज आपने पॉइंट दो निकाले, एक एक्स वन है और एक एक्स टू है, तो सेकंड डेरिवेटिव में पहले आप पॉइंट एंटर कर दें एक्स वन, और यहां से देखें या तो ये पॉजिटिव होगा या ये निगेटिव होगा, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। अगर डबल डेरिवेटिव पहले पॉइंट एंटर करने पर पॉजिटिव आया, तब आप कहेंगे कि फंक्शन इज, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन मैक्सिमा देगा, मिनिमा देगा, मिनिमा मैक्स, फंक्शन इज, यहां पर बोलेंगे मिनिमा, मिनिमा एट x इज इक्वल टू एक्स वन। मिनिमा कहाँ आया, एक्स वन पर। मिनिमा क्यों, ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो मिनिमा इसको हम लोग प्रूव नहीं करने जा रहे, हमारे सिलेबस में कोई प्रूव नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस थ्योरम को हम लोग मानेंगे ये ठीक है, लिखा है हमारे एज इट इज बुक में। अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव बाय चांस एक्स वन एंटर करने पर नेगेटिव आ गया, तब आप क्या बोलेंगे, तो आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमा एट एक्स वन इज, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। पॉइंट समझो, सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन मिला, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो लगाया, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिले उनको होल्ड किया, डबल डेरिवेटिव किया, जिन पॉइंट्स को आपने होल्ड किया था वन बाय वन एंटर करते हैं। ओके, तो डबल डेरिवेटिव में जैसे ही हम लोगों ने सिंगल डेरिवेटिव से जो टर्निंग पॉइंट निकल के आए थे, हमने पहला पॉइंट एंटर कर दिया, अगर वो पॉजिटिव आ गया, क्या डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम होगा वहां पर। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं मिनिमा एट एक्स वन, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। लेकिन बाई चांस अगर वो निगेटिव मिल जाए तो मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमा एट दिस, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो जो एक्स वन है ये मेन फंक्शन में जाके एंटर कर दोगे, तो इस पूरे की जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये वाला पॉइंट यहाँ जाके एंटर कर दो, तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को, यही पैटर्न हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स में। मैं पहले समझाता तो माइंड से गायब हो जाता, क्वेश्चंस के साथ रिलेट करके समझा रहे हो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस टेस्ट का क्या नाम है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, जल्दी से इसको कॉपी करो, इतना मैं इसको रब कर देता हूँ इस पार्ट को। तो आपने सबसे पहले डेरिवेटिव किया, फिर पहला स्टेप क्या कहता है, डेरिवेटिव को जीरो के बराबर लिखते हैं, हमने जीरो के इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब हम जैसे जीरो के इक्वल लिखते हैं तो सिक्स आपके पास कॉमन आ रहा है, देखो सभी में कॉमन है,
दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्सिंग वैल्यू 7 आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा 0 के बराबर, इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहाँ से इसका आंसर निकालोगे तो x माइनस 6 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 6 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएंगे। तो यहाँ से आपके दो आंसर आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है और x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ये दो आंसर आ रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, अगला पैटर्न क्या, डबल डेरिवेटिव, वेरी गुड बेटे। तो डबल डेरिवेटिव आपने किया तो इसका आंसर कितना आएगा, 12x। ये याद रखना, जहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव किया था वहीं से डबल डेरिवेटिव स्टार्ट करना, ये याद रखना है। तो चाहे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन वो कर दूंगा, नहीं तो इतना तो आप समझ गए, 12x माइनस 42 ये लिखा हुआ है। 6 कॉमन ले ले लो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब लिखा नहीं। अभी डबल डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, आ गया। तो डबल डेरिवेटिव को हम लोग निकालेंगे सबसे पहले 1 पर। तो आपने डबल डेरिवेटिव को 1 पर कैलकुलेट किया, ठीक है, 1 पर करोगे तो 12 आ जाएगा, ये माइनस का 42, तो मतलब नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। कितनी आएगी ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। अगर ये नेगेटिव मिलेगा तो आप क्या कह सकते हैं, मैक्सिमा है पॉइंट, मैक्सिमा कहाँ पर है, मैक्सिमा, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, 1 पर मैक्सिमा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू का, हाँ बाद में पूछा है मैक्सिमम वैल्यूज भी बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दो, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकालोगे तो f ऑफ 1 निकालोगे, तो इस 1 को पूरे फंक्शन में एंटर कर दो। तो पहले मिलेगा आपको 2, फिर 41 मिलेगा, प्लस 36 मिलेगा, माइनस का 20 है, माइनस 20, इनको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 20 40 और 41 36 माइनस 5 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट अगर आपको चाहिए तो पॉइंट हो गया 1, -3, 1, -3, ये आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमा मिलता है, लोकल मैक्सिमा कह सकते हो आप उसको, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -3। ये आपके पास पहला पैटर्न सॉल्व हो गया, जल्दी से कॉपी करो इसको। ओके, x इज इक्वल टू जो 6 है उसको हम लोग फिर से एक बार समझाते हैं, मैं यहाँ पर इसको रखा देता हूँ। अब हम डबल डेरिवेटिव देख रहे हैं कहाँ पर, 6 पर। तो डबल डेरिवेटिव 6 पर देख दो, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 42, ऑब्वियस है बार चीन बात है 72, 42 नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव मिलेगा। तो आपने देखा कि डबल डेरिवेटिव एक क्रिटिकल पॉइंट पर पॉजिटिव दे रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, मिनिमम, मिनिमम है यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 6, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको बाद में, मिनिमम वैल्यू। तो f ऑफ 6 निकाल दो, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि बड़ा बन जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर 3 216 आएगा, माइनस 41 मल्टीप्लाइड बाई 36 आएगा, स्क्वायर है, प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाई फिर से 6 फिर से 216 आ जाएगा आई थिंक सो, और माइनस का 20, पूरा सॉल्व कर लेना आपके पास आंसर आ जाएगा जो भी है। तो आपका ये फाइनल नंबर का सॉल्व हो गया है, ये है आपका मेन पैटर्न इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, लेक्चर के लास्ट में भी बताऊंगा कुछ और भी आगे चलते हैं चीज़ें। ओके, अब हम लोग एक अगला नंबर का लेते हैं, सेकंड नंबर का आज की क्लास का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3, ये मैंने न्यूमेरिकल लिया। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, पहले तो ये बनेगा 4 × 12 x स्क्वायर और 38 होता है माइनस 14, ये कुछ नहीं लेगा। यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आ रही तो कॉमन ले सकते हो क्योंकि आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिखने वाले थे। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो मैंने तो 2 देख रहा हूँ कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लो तो मिल जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 7 इक्वल टू 0, 2 तो बेकार हटा दो, 6 × 7 = 42 नेगेटिव पहले से 21 दो 42 बन गई बात, 6x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 42 आएगा, सॉल्व करोगे नॉर्मली तो प्लस माइनस का करने पर ये 19 आएगा पॉजिटिव का, यहाँ से कॉमन 3x कॉमन तो मिलेगा 2x, 3 जब कॉमन है तो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 कॉमन तो 2x प्लस 7 आ जाएगा,
तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x plus 7 common, 3x minus 1 is equal to 0, यहाँ से मिलेगा x is equal to minus 7 over 2, और एक आएगा x is equal to 1 over 3. ये आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ठीक है, हमने उसको होल्ड किया. अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग डबल डेरिवेटिव करते हैं. तो हम डबल डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं. डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव से आगे पिक करेंगे, ठीक है. तो 12 में 24, 24 आ गया है x के साथ, प्लस 38, और कुछ नहीं मिलेगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अच्छी बात है. तो डबल डेरिवेटिव को मैंने चेक किया माइनस 7 ओवर 2 पर, माइनस 7 ओवर 2, आओ जरा एंटर कर लेते हैं. तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 7 ओवर 2 प्लस 38, इसको डाइवर्ट तो 12 और 12 से 84, 84 प्लस 38 क्या है क्वांटिटी, ये नेगेटिव है. अब आपने देखा जब आपने माइनस का 7 ओवर 2 डबल डेरिवेटिव में एंटर किया तो डबल डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव आया. डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा है यहाँ पर. तो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2. तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल पाएंगे आप लोग, तो मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ माइनस 7 ओवर 2, जो आपके पास फंक्शन गिवन है वहाँ पर ये वैल्यू डाल के आप लोग खुद सॉल्व कर पाएंगे. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डबल डेरिवेटिव में अगला पॉइंट एंटर करेंगे लाइक 1 ओवर 3, ये मेरे पास. तो 1 ओवर 3 एंटर करते हैं, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 3 प्लस 38, और इसको उड़ाएंगे तो आएगा 8 24, ये आएगा पॉजिटिव का. अगर डबल डेरिवेटिव में कोई पॉइंट एंटर किया तो पॉजिटिव आया तो क्या होगा वहाँ पर, मिनिमम एट 1 ओवर 3. तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी निकाल पाएंगे, तो मिनिमम वैल्यू कितनी लिखेंगे एफ ऑफ 1 ओवर 3, उसको सॉल्व करेंगे फाइनली. आंसर बोर्ड पर है भी कुछ, वाओ बिल्कुल एंड में ही आ गया, यहाँ से नीचे बोर्ड में नहीं है कुछ. तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हमने आज दो न्यूमेरिकल किए हैं. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, कॉपी करो इसको. आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने कौन कौन से वर्ड यूज किए थे. एक्सट्रीम पॉइंट आपको याद होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये सब मिलते थे, और एक्सट्रीम पॉइंट में अगर क्लोज इंटरवल भी गिवन है तो एब्सोल्यूट वैल्यूज भी मिल जाते हैं. तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये सब बातें आपको याद थी. फिर उसके बाद एक वर्ड आया था हमारे सामने, क्रिटिकल पॉइंट, स्लैश मैंने लगाया था क्रिटिकल पॉइंट के बाद, उसको स्टेशनरी पॉइंट भी बोल दिया था, और क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट भी. ये सब तीनों पॉइंट के एक ही नेम है, एक ही चीज़ है, सिनोनिम है एक दूसरे के. तो ये कब मिलते थे, सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर जब करते थे तो ये पॉइंट्स आपको मिलते थे. अब मैं एक और वर्ड यूज करने जा रहा हूँ आज की क्लास का, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. नोट करो कॉपी पर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है देखते हैं. कोई मैं कर्व बनाता हूँ, ये मैंने कर्व बनाया, कोई भी कर्व एट रैंडम बना दिया, एक ऐसे पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक ऐसे पॉइंट मैंने पी कह दिया. अब थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है इससे, आप समझे मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझे, ग्राफ पर ना जाए, ठीक है. ये टेंजेंट है, सपोज ये पॉइंट को मैंने कह दिया ए है, तो एक ऐसी टेंजेंट जो मेरे कर्व को एग्जैक्ट हाफ कर, एग्जैक्ट हाफ मतलब जो टेंजेंट है उसके पार्ट लेफ्ट साइड में भी कुछ रह जाए कर्व, और उसके राइट साइड में, मतलब जो टेंजेंट है वो मेरे ग्राफ को कट कर दे, मेरे ग्राफ को कट कर दे, लाइन के ऊपर एक पार्ट रह जाए, लाइन के नीचे एक पार्ट रह जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जल्दी से नोट करो इसको. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मैंने क्या बताया कि कोई भी टेंजेंट अगर मैंने ड्रॉ की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर उस टेंजेंट ने मेरे ग्राफ को कट कर दिया और आधा पार्ट ऊपर की ओर चला जाए और आधा पार्ट नीचे, आधा मतलब एग्जैक्टली हाफ नहीं, कुछ पार्ट ऊपर चला जाए टेंजेंट के, कुछ पार्ट नीचे रह जाए टेंजेंट के, तो वो पॉइंट मेरा कैसा कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती मेरे बच्चों, आप समझो. मैं एक और ग्राफ लेता हूँ,
ये ग्राफ आप सब समझते हैं, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाया है। और अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट के लिए पॉइंट मैंने ए ना कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट का क्या नाम है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि ये जो टेंजेंट है उसने कर्व को आधा इधर बांट दिया, लाइन के कुछ ऊपर चला गया कुछ नीचे चला गया, ये मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाता है। निकालते कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगा, जल्दी से कॉपी करो इसको। ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ना तो मैक्सिमम देता है ना तो मिनिमम देता है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो उस कंडीशन के लिए मैं बात करूंगा, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो कर्व था, याद आया कुछ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो कर्व था, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है और ये आपकी टेंजेंट इस पॉइंट पर, ये टेंजेंट है बेटे। और यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखूंगा तो y इज इक्वल टू जीरो, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो यही वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाएगा ये वाला पॉइंट। अब आप समझिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, ये निकलता कैसे है। पहला स्टेप, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखें, उसको जीरो के बराबर लिखें, वहां से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल कर आएंगे, एक बात। दूसरी बात, डबल डेरिवेटिव लिखें और वो जो पॉइंट्स निकल के आए थे, अगर हो सकता है कि x इज इक्वल टू एक्स वन निकल के आया हो पॉइंट, वो आपने यहाँ एंटर करना है डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव अगर पॉइंट एंटर करने के बाद पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम। लेकिन एक और बात तो है इसके अंदर कि डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाए, ये तो बताया नहीं था मैंने, डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो हम इसको कुछ नहीं बता सकते बच्चों, वाह। तो मुझे थर्ड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। और थर्ड डेरिवेटिव में वो पॉइंट एंटर करते हैं, और थर्ड डेरिवेटिव में पॉइंट एंटर करते हैं वो जीरो नहीं कुछ और आ जाए, जीरो नहीं कुछ और आ जाए, लाइक समझ में आ जाए, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव कुछ भी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स वन जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। जल्दी से कॉपी करो इसको। इसमें मैं अपनी एक बात ऐड कर दूंगा, वो प्लस टू के बहुत स्ट्रांग लेवल की बात है, समझना बात को, कि अगर मैंने पहले डेरिवेटिव निकाला जीरो के बराबर लिखा, ये पहला स्टेप, यहां से मुझे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, सपोज x इज इक्वल टू एक्स वन, एक पॉइंट मिल गया, मैंने एक पॉइंट लिख लिया। फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव में वो पॉइंट एंटर कर दिया और वो आ गया जीरो, इससे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला, ट्रिपल डेरिवेटिव में पॉइंट एंटर कर दिया, अगर वो नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बन जाएगा, नाइदर मैक्सिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये लिख लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होता है, याद रखिए, कुछ नहीं देता हूँ पर। ट्रिपल डेरिवेटिव बाई चांस जीरो आ जाए, यहाँ तो मैंने जीरो लिख दिया है, लेकिन बाई चांस जीरो आ जाए तब क्या करेंगे, तब मैं फोर्थ ऑर्डर पर आऊँगा, तब मैं फोर्थ ऑर्डर पर आऊँगा। ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो आ जाए उससे मुझे कुछ नहीं मिला, तो फोर्थ डेरिवेटिव निकालूंगा मैं, तीन हो गया या चार हो गया। अब मैं इस पर चेक करूंगा, अगर ये पॉजिटिव आ गया, अगर ये पॉजिटिव आ गया तब आपको क्या मिलेगा, मिनिमम। तो मैं लिख देता हूँ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, और बाई चांस ये नेगेटिव आ जाए, ये नेगेटिव आ जाए तब आपको मिलेगा मैक्सिमा, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा है, एक्स वन, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पर मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव है और ही पॉजिटिव। अब आप समझ गए होंगे, ओके। लेकिन बाई चांस आपके माइंड में आ रहा हो, सर जब आप इतना कर ही रहे हो तो अगर फोर्थ ऑर्डर भी जीरो आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो मैं फोर्थ ऑर्डर को जीरो के बाद आ जाता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं बता पाए थे, तो हम लोग निकालते हैं इसका फिफ्थ ऑर्डर, एक दो तीन चार पाँच, फिफ्थ ऑर्डर निकालते हैं, फिफ्थ ऑर्डर। लेकिन फिफ्थ ऑर्डर अगर नॉट इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और यही तो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन,
एकदम लास्ट में पहुंच गए, शायद दिख नहीं रहा होगा। नहीं दिख रहा। ओके, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाएगा। लिख लो आप, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लिख लेना अपना शॉर्टकट में, लिख दिया इन्फ्लेशन को। दिख रहा है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है बहुत टफ है, पर बहुत आराम से बताया है, समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझो, मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो पूरा लेक्चर ही है। आप उसको रिपीट करके फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा जल्दी से। ओके, अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देख लिया होगा इवन ऑड का क्या कॉन्सेप्ट है, और आपके बुक में लिखा भी है। चेक करो ये कॉन्सेप्ट में इवन ऑड का क्या पैटर्न है। मैं आपको सब चीजें बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अगर ये समझ गए तो ये आपके लिए काफी है। ओके, मेरे पास न्यूमेरिकल है थर्ड, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये लिखा हुआ। वही सब चीजें प्रूव करनी है, देख लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या मिलेगा? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री। पहले डेरिवेटिव को आपने जीरो के बराबर लिखा, वहां से आपको थ्री कॉमन ले लेता हूँ एक बार। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एक बार। डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? सिक्स एक्स माइनस सिक्स, सही है। डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पर एंटर करते हैं, कितना आएगा? जीरो। समझ में आया मैंने क्यों बताया बीच में? दो न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्यों बताया, समझ लो। पहले डेरिवेटिव को जीरो के बराबर लिखा, क्रिटिकल पॉइंट आए होल्ड किया, डबल डेरिवेटिव निकाला, उस पॉइंट को एंटर किया। अगर पॉजिटिव आता तो मिनिमम होता, अगर निगेटिव आता तो मैक्सिमम होता, लेकिन जीरो आ गया, हम कुछ नहीं कह सकते। हम चलते हैं थर्ड डेरिवेटिव पर। तो मुझे थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड डेरिवेटिव ये, तो थर्ड डेरिवेटिव कितना होगा? सिक्स। अब थर्ड डेरिवेटिव में एक्स तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो थर्ड डेरिवेटिव हमेशा यही रहेगा, एक्स की चाहे कोई भी वैल्यूज आ जाए। इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव। इसका लॉजिक ये हुआ कि थर्ड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू जीरो, और थर्ड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू जीरो था तो हमने क्या बताया था? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और क्या बताया था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो मैं लिखूंगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये मैक्सिमम लिख देता हूं छोटा सा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू, कुछ नहीं लिखो, हाँ लिख देता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट था? वन। और ये वन पर क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन एट एक्स इज इक्वल टू, ये वन पर आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा है बच्चों, इसको कॉपी कर लो। ये न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, ये चार नंबर के न्यूमेरिकल है बच्चों। ओके, मेरे हिसाब से अब हमारा मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन। तो एक और भी न्यूमेरिकल है, मैं एक उठा लेता हूँ, सेकेंड न्यूमेरिकल है, सेकेंड नहीं, आज का कौन सा हो गया? फोर्थ न्यूमेरिकल हो गया आज का। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। ये कब निकलता है? जब पहला डेरिवेटिव जीरो के बराबर लिखते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट जो निकल के आता है उसी को तो बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन। ओके, एंड डिस्टिंग्यूज डिफरेंस निकालना है इसका, क्या? बिटवीन पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मतलब मुझे पता करना है लोकल मिनिमा कौन सा, लोकल मैक्सिमा कौन सा। ये बिल्कुल बच्चों जैसी बात है, मैं सिर्फ पैटर्न बताऊंगा। पहले तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन। यहाँ से डी बाई डी एक्स को हम लोग जीरो के बराबर क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम मुझे चाहिए तो मुझे करना पड़ता है, ये रूल है। तो थ्री कॉमन लिया,
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर किए आपने, तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन। आप जरा चेक कर लो, मल्टीप्लाई माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ये आएगा, और एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक तो थ्री मिलेगी और एक आपको माइनस वन मिलेगी। अब आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आपके आएगा सिक्स एक्स और ये माइनस का सिक्स आएगा, डबल डेरिवेटिव में थ्री एंटर कर दो आप एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, जैसे थ्री एंटर करोगे तो अट्ठारह पॉजिटिव आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम, तो मिनिमम अगर ये मिनिमा देगा, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, पॉइंट समझ में आ गया, डिस्टिंग्विश उसने बोला था, मिनिमम वैल्यू तो फाइंड करने के लिए बोली नहीं है तो मैं करूंगा भी नहीं, मिनिमा यहाँ पर, पॉइंट अगर चाहिए तो वाई ए थ्री ए, तो थ्री एंटर कर दो कितना आ जाएगा 27 माइनस अगेन 27 और फिर से 27 प्लस 7, इसके इसकी कटिंग हो गई, ये माइनस का 20 आ जाएगा वाई, तो पॉइंट क्या हो गया 3 कॉमा माइनस 20, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट समझ में आया, ये पहला पॉइंट हो गया, स्टेशनरी पॉइंट की बात हो रही थी और ये पहला पॉइंट हो गया मिनिमा, तो लोकल मिनिमा इस पॉइंट पर निकलता है, तो आप समझ गए लोकल मिनिमा 3 पर मैक्सिमम वैल्यू माइनस का 20, अगर पूछता तो बता देते हैं लेकिन नहीं पूछा तो सॉरी मिनिमम वैल्यू माइनस मिनिमा है ना, तो मिनिमम वैल्यू माइनस 20। ऐसे ही आप लोग जब आप लोगों ने माइनस वन एंटर करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो आप न्यूमेरिकल समझ गए, न्यूमेरिकल हो गए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, अब लेक्चर बेटे मिस मत करना, जो अभी तक किया है उसी का सब कुछ कॉम्बिनेशन आने वाला है, वो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले कहीं से भी बेटे नोट करो और उनको लर्न कर लो, बहुत सारे काम आने वाले हैं। ओके जल्दी से इसको कॉपी करो, और ये थैंक यू मेरी तरफ से, ओके बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छा लेक्चर था आज का।